हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट्स में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा पुराना साल जा रहा है और नया साल को वेलकम करने के लिए हम कुछ कार्ड्स बना रहे हैं अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को देने के लिए, चाहे रिश्तेदारों को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज पॉपअप कार्ड बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी है। दिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, बहुत इजी है। ये आप सामने देख रहे हैं, मैंने दो कलर के कार्ड लिए हैं। मैं एक को ओपन करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं 2020। यहाँ मैसेज लिखने के लिए मैंने कॉलम्स भी छोड़े हैं और यहाँ मैंने एक और कार्ड बनाया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, तो आप जरूर प्रेस करें उसको। तो चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक और रिक्वेस्ट, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, मैं कार्ड बनाना शुरू कर रही हूँ। सारा मटेरियल आप यहाँ देख रहे हैं, इन सबका डिस्क्रिप्शन मैं साथ साथ बनाते हुए देती जाऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर लिया है, इसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में पेंसिल और पास में स्केल इसलिए है ताकि मैं इसकी मेजरमेंट करूंगी। तो ये जहां से कार्ड ये बंद है, उस तरफ से हम नीचे की तरफ से 5 सेंटीमीटर इसमें मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मार्क आप ध्यान से देख सकते हैं। यहां से हम 5-5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। देन मैं नीचे से भी 5 सेंटीमीटर इसको हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। देन फ्रेंड, इसको मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। देन हम इसको अंदर की तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं एक बॉक्स की तरह बन चुका है। नेक्स्ट मैंने ये डार्क ग्रीन कलर का कार्ड लिया है, इसको भी मैं कार्ड की शेप में फोल्ड कर रही हूँ। हाफ A4 साइज शीट को मैंने हाफ फोल्ड कर लिया है। इससे पहले मैं यहाँ पे हाफ हाफ इंच मार्क करके इसको कट कर लूंगी। फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं 0.5 मैंने यहाँ से मार्क कर लिया है। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। सेम मैं इसी तरीके से नीचे भी बना लेती हूँ। 0.5 इस तरफ से भी और यहाँ सामने से भी 0.5 हम ले लेंगे। अब ये जो पोर्शन है इसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों तरफ से कट कर लिया है। इसको मैंने कट इसलिए किया है ताकि अंदर ये डबल शेड में कार्ड सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इस तरफ से पेस्ट कर देती हूँ कार्ड को फेविकॉल की हेल्प से। आप डबल टेप या फिर किसी भी स्टिकी चीज से फेविस्टिक भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक तरफ से पेस्ट कर ले रही हूँ उसको। फ्रेंड, अब सेम चीज हम अपोजिट साइड भी करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरफ से भी मैं इसको पेस्ट कर दे रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं अंदर ये डबल शीट में कार्ड कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे इसके चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम न्यू ईयर कार्ड बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे रेड ग्लिटर पेपर लिया है, फोम शीट नहीं लिया है। तो हम मैं यहाँ पे 2020 लिख रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो ये फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2020 लिख लिया है। इसको मैं सीजर की हेल्प से कट करूंगी। तो फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं इसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये कट कर लिया है। साथ ही मैंने कुछ यहाँ पे हर्ट्स पेपर पंचर की हेल्प से
ले लिए हैं अलग अलग कलर में, अलग अलग लीडर शीट्स में, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको एक पतली स्ट्रिप के पीछे पेस्ट करूंगी, ये थोड़ी सी थिक स्टिक है, इसी के मैं पतली पतली स्ट्रिप्स ले लेती हूँ। इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे से स्ट्रिप्स कट कर लीजिए, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो फ्रेंड्स इन सब के पीछे मैं इसको कुछ इस तरीके से स्टिक करूंगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सबको स्टिक कर लिया है। आप फेविकॉल टेप, फेविस्टिक किसी का भी यूज कर सकते हैं इसको पेस्ट करने के लिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ और अपने नेक्स्ट आइटम पे फोकस करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर का पेपर लिया है। मेजरमेंट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 18 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगी। मुझे 4-4 सेंटीमीटर का बनाना है स्क्वायर, 4, 8, 12, 16 और 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यानी 18 सेंटीमीटर। और इसके बीच जो मुझे गैप चाहिए वो मुझे 1.5 सेंटीमीटर का चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ से बनाने के बाद सेम वापस मैं 18 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। बट अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इस तरफ से हम छोड़ देंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से 4-4 सेंटीमीटर मार्किंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 13, देन लास्ट हमारी मार्किंग हो रखी है। देन मैं इसको क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पे जितनी मार्किंग है इन सब पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मार्किंग वाला पोर्शन प्लीज फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका ये कार्ड गलत भी बन सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर का गैप लिया है सेम, अब मैं यहाँ पर 3-3 सेंटीमीटर का मुझे स्क्वायर बनाना है। तो 3 × 4 = 12, 12 + 2 = 14 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं 14। देन अगेन सेम 1.5 सेंटीमीटर मुझे यहाँ बीच में गैप चाहिए। देन अगेन सेम 14 सेंटीमीटर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ 1 सेंटीमीटर इस तरफ से एंड 1 सेंटीमीटर उस तरफ से, देन 3, 3, 1, 2, 3, यहाँ पे 4, देन 7, देन 10। तो फ्रेंड यहाँ मार्किंग कर ली है हमने, यहाँ क्लोज करके इन सब लाइनों को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और इसको हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्ट्रिप्स कट कर लिए, इसको मैं स्केल की हेल्प से फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये चारों साइड फोल्ड करके कुछ इस तरीके से हम ये बॉक्स बनाएंगे। सेम मैं इसके साथ भी यही चीज कर रही हूँ। तो फ्रेंड हम यहाँ पे भी इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड ये मैंने दोनों बॉक्स बना लिए, इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एक पोर्शन इस तरफ और एक पोर्शन इस तरफ। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल ना यूज करके इस तरीके की डबल टेप यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कट कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़े से वेट में छोटा कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड ये मेरा कट हो चुका पेस्ट के लिए, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दे रही हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ये जो बॉक्स बनाया था इसके अंदर हम इसको कुछ इस तरीके से फिट करेंगे अंदर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें फिट करना है। फेविकॉल से ज्यादा मेसी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल टेप यूज की है। डबल टेप रिमूव करके जस्ट मेरे को ध्यान से पेस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से रिमूव कर लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर बहुत ध्यान से ये कॉर्नर इसका मैच करके पेस्ट कर दूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड मैंने वापस से यहाँ ग्रीन पेपर लिया है, मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देन अगेन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन इस तरफ से अपोजिट साइड से, देन अगेन 2 सेंटीमीटर की लाइन। देन 10 सेंटीमीटर, इसको वापस 20 से 1 सेंटीमीटर में हम डिवाइड कर देंगे। 5 सेंटीमीटर इसको मैं कट कर लूंगी। फ्रेंड्स मैंने इसको कट कर लिया है, अब यहाँ पे इसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे रेड ग्लिटर शीट का 5-5 सेंटीमीटर के दो बॉक्सेस कट कर लूंगी। तो मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ पहले ताकि मेरे एक साथ दोनों बॉक्सेस कट हो जाए। इसको मैं कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमने फोल्ड किया था इसको हम कुछ इस तरीके से पेस्ट करेंगे। पहले मैंने इस पोर्शन में डबल टेप लगा लिया है, आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया है। सेम यहाँ पे अपोजिट तरफ, अपोजिट साइड भी। और ये जो मैंने दोनों रेड कलर के पेपर कट किए वो इस तरीके से हम यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर लिया है सेम अपोजिट साइड भी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बॉक्स मेरा रेडी हो गया है। फ्रेंड अब मैं यहाँ पे 2020 यहाँ पेस्ट करूंगी। या तो आप यहाँ पे फेविकॉल लगा के पेस्ट कर सकते हैं, मैं इसके पीछे डायरेक्ट ये टेप पेस्ट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और मैं इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने फर्स्ट रो में 2020, यहाँ पे अभी हमारे पास दो रो और बाकी है तो मैं दोनों रो में ये हर्ट्स भी सेम तरीके से पेस्ट करूंगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं खुलने पर कैसा लग रहा है। तो हमारा बेसिक कार्ड रेडी हो चुका है, अब हम यहाँ बाहर डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने गोल्डन कलर की बीट्स ली है, इसको मैं काट के चारों तरफ पेस्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ मैंने कुछ हॉट्स लिए हैं, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक रेड कलर की बटरफ्लाई भी ली है, इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर दे रही हूँ। फ्रेंड यहाँ पे आप इसके ऊपर कुछ डिजाइन भी कर सकते हैं, लाइक मैं एक यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। या आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर भी लिख दे रही हूँ। तो फ्रेंड ये बाहर से हम रेडी कर चुके हैं, अंदर भी मैं कुछ हॉट्स लगा देती हूँ ताकि हम इसको अंदर से भी ब्यूटीफुली तैयार कर लें।
तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ बाहर से अंदर तक। ये आप देख रहे हैं बाहर की डेकोरेशन, देन अंदर से हमारा कार्ड रेडी है। यहाँ आप जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ मैसेज लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बनाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।